हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट, केवीएस, इन सभी से संबंधित जो बायोलॉजी के मॉडल पेपर, यानी कि जो बायोलॉजी के टॉप ऐसे क्वेश्चन जो आपके पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की बहुत ही अधिक संभावना है, इनसे संबंधित हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो उनमें से हमारा ये सेकेंड नंबर का मॉडल पेपर रहेगा। और ये जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट, केवीएस और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें आपके डीएसएसबी, पीजीटी, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और सामान्य जो जनरल साइंस पूछा जाता है, उसमें भी आपके इस इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी से तैयार किए गए हैं, इस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और पूर्व परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी भी इसमें हमने समाहित किए हैं। आप पीछे के पेपर उठा करके देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो उनमें से मिलेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं जो आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं। यहाँ पर हम टॉप जो 50+ क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। और डेली हमारी 7 बजे क्लास रहती है, लेकिन आज किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। बीच में 2 दिन भी इसी कारण से हो गया, थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत थी इस कारण से। अब आगे से हम डेली क्लास रहेगी। हमारा जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें आपका एम्ब्रियोलॉजी वाला टॉपिक है, वो मैं आपको कल करवाने वाला हूँ। और ये मॉडल पेपर जो टॉप हमारा चल रहा है बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस का, ये हमारा लगातार जारी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सदैव प्रतिलोमित, यानी कि सदैव उल्टे। सेकेंड है सदैव ऊर्ध्वाधर, यानी कि सीधे। थर्ड है कभी प्रतिलोमित और कभी ऊर्ध्वाधर। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, जो पिरामिड्स की बात करें, तो ये चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दिए गए थे। और इसमें हम बात करें जो बायोमास का पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड, और वो भी बायोमास का हम बात करें जो ट्रीज का हम देखते हैं, ट्रीज का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना। और एक आपका जो तालाब यानी कि जलीय पिरामिड होता है, उसमें भी बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। ट्रीज में सामान्यतः हम पिरामिड देखते हैं वो उल्टे मिलते हैं, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। और ये आप ध्यान में रखना, जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है, वो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में लगभग 50+ क्वेश्चन आपके करवा दिए, यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर दो, इनमें से कौन सा एक वास्तविक मछली है, इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली है, ट्रू फिश है। ऑप्शन है कैटफिश, सेकंड है जेली फिश, थर्ड है कटल फिश और फोर्थ है सिल्वर फिश। यहाँ पर देखो, ऑप्शन जो ए है, जिसे हम कैटफिश कहते हैं, यही वास्तविक मछली के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश जो कि लेपिस्मा कहते हैं, इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार। सिल्वर फिश जो कि वास्तविक फिश नहीं होती, इसे लेपिस्मा को कहा जाता है सिल्वर फिश। देखो, हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा तेजी से करेंगे क्योंकि स्पीड से चलेंगे, और इन क्वेश्चन को आप आंसर देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इस कारण से, और आपके पास भी टाइम बहुत ही कम बचा है। इस कारण से आपको बहुत अधिक क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, कुछ परजीवी कवकों में एक गोलाकार या कांटे जैसी संरचना परपोषी के साथ संपर्क बिंदु के रूप में संपर्क बिंदु कर पाई जाती है। सामान्यतः हम बात करें कोई भी परजीवी कवक है, उनमें गोलाकार कांटे जैसी एक संरचना मिलती है जो परपोषी के साथ संपर्क बनाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शोषक, यानी ऑस्टेरिया, जिसे चूषक भी कहते हैं, एप्रेसोरियम, होल्ड फास्ट और आकड़ा या हुक, अंग्रेजी में इसे हम हुक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्रेसोरियम जो होता है, इसके द्वारा जो परजीवी कवक होता है वो परपोषी के साथ संबंध बना करके रखती है। क्वेश्चन नंबर चार, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये कौन से होते हैं। फ्यूनेरिया जो रिक्सिया है, ये किसमें कौन से वर्ग में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये कौन से होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एंथ्रिडिया, एंथ्रिडिया तो जो होता है ये नर अंग होता है, नर प्रजनन अंग होता है, आर्किगोनिया, एंथ्रिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर। अब देखो, यहाँ पर जो एंथ्रिडियोफोर है, ये तो एंथ्रिडिया के द्वारा उत्पन्न करने वाले जो पुंगड़ू भी बोल सकते हैं इसे हम, युग्मक होते हैं। आर्किगोनियोफोर है ये, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया
ये होता है फ्यूनेरिया और रिक्सियामी, जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो। क्वेश्चन नंबर 5, फोलिकल फ्लो का स्पुटन होता है, जो यानी कि जो फोलिकल जो फटने वाले फल होते हैं, जैसे जैसे पक जाते हैं, पकते ही वो फट जाते हैं, तो ऐसे फल होते हैं, इनका स्पुटन है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अपेक्ष एवं अपाक्ष सेवनों द्वारा, सेकंड है अपेक्ष सेवनों द्वारा, थर्ड आधार से ऊपर की ओर, और फोर्थ हो जाएगा छिद्रों द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपेक्ष एवं अपाक्ष सेवनों द्वारा क्या होता है, फोलिकल फ्लो का स्फुटन होता है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनका आंसर देने का प्रयास कीजिए, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा, जिससे कि आपकी तारीख का भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक, थिग्मोट्रोपिज्म ठीक, इसके द्वारा दिखाया जाता है, इनमें से कौन सा पादप का भाग है जिसके द्वारा थिग्मोट्रोपिज्म है वो दिखाया जाता है या वो प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्यानोज द्वारा, जो टेंड्रिल्स होते हैं, देखिए आपने मटर में देखे होंगे ऐसे, तना शीर्ष, जड़ शीर्ष और पत्ती शीर्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो प्रतान है, प्रतान जो है, टेंड्रिल्स जो है, ये क्या करती है, थिग्मोट्रोपिज्म जो प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं, बास्ट रेशे जो होते हैं, बास्ट फाइबर्स, ये किससे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गोसिपियम, सेकंड है कोकस, थर्ड है कोरकोरस और फोर्थ है एगेव। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कोरकोरस होता है इससे बास्ट फाइबर प्राप्त होते हैं। देखो जो गोसिपियम होता है इसको भी ध्यान में रखना, ये कपास की एक प्रजाति है, कपास को बोलते हैं हम गोसिपियम, और कपास से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बात की तो बीटी कॉटन तैयार किया गया था, बीटी कॉटन, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, बेसिलस थुरिंजिस जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कुछ पादपों को जब अधिक पोषण वाले माध्यम में उगाया जाता है उनमें कुछ फिनोटाइप परिवर्तन हो जाते हैं, जो कई पीढ़ियों तक स्थिर रहते हैं और ये जीन के बहुलीकरण के कारण होता है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पैरा म्यूटेशन, सेकंड है साइलेंट म्यूटेशन, थर्ड है जीनोट्रोपिक एक्सप्रेशन और फोर्थ है यूट्रिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर कोई भी हम जो जार लेते हैं उसके अंदर अधिक पोषण डाल देते हैं, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की मात्रा हो, और उसमें किसी भी पादप को हम डाल देते हैं यहाँ पर, अब क्या होता है इसके फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है, फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है, और ये फिनोटाइप में परिवर्तन F1 F2 इस प्रकार से कई पीढ़ियों तक जारी रहता है, और ये किसके कारण होता है, जीन के बहुलीकरण के कारण होता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जीनोट्रोपिक एक्सप्रेशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आता है 9, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है, ये पूछा है। तो नीचे कुछ हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है 2,4-D, सेकंड है जियाटिन, थर्ड है GA3 जिप्रेलिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, और IAA इंडोल एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर जियाटिन, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, नहीं वाला शब्द यहाँ पर पकड़ना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 2,4-D होता है, ये संश्लेषित किया जाता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, खरपतवार के अनाशी के रूप में भी इसे हम काम में लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद्य संग्रह पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन फूड रिजर्वर्स आर फाउंड इन द सेल्स, जो सेल्स है इनमें नाइट्रोजन से संबंधित, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु हैं या जो सवाल है वो मुख्य रूप से कौन सी होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। देखो नील हरित शैवाल होते हैं, इनमें हेटेरोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट, उनमें क्या होता है, ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और इसी में नाइट्रोजन युक्त खाद्य संग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन 10 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है उनका मुख्य आधार क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये RFLP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कॉम्प्लीमेंट्री विद सेम प्रॉप्स, थर्ड है रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द डीएनए। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका जो मुख्य आधार होता है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है डीएनए की, और इसकी खोज है वो एलेक जेफ्री नामक वैज्ञानिक ने की थी, जेफ्री।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इनमें से देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से तीन ऐसे, देखो लास्ट वाला तो छोड़ दीजिए, इनमें से कोई नहीं है तो होगा ही नहीं, तीन में से आपको एक ऐसा मिलेगा जिसमें लैंगिक जनन का प्रमाण नहीं मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है पैरामीशियम कोडेटम, सेकंड यूग्लिना विरिडिन्स, थर्ड है मोनोसिस्टिस एजिलिस। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यूग्लिना विरिडिन्स, इसमें लैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आता 13। फेजमिड्स आर प्रेजेंट इन, फेजमिड किस में पाए जाते हैं? एक देखो फेजमिड वो होते हैं जो वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो जेनेटिक क्लोनिंग में काम में लिए जाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं, फेजमिड कुछ अंग के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एस्केरिश हो गया, पाइला, टीनिया, यूनियो, तो यहाँ पर एस्केरिश में पाए जाते हैं फेजमिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एमोसिट लार्वा अकर्स इन द लाइफ ऑफ स्ट्री, यानी इनमें से जो जीव के नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जिसकी लाइफ में एमोसिट लार्वा पाया जाता है, एमोसिट लार्वा पाया जाता है। तो एमोसिट लार्वा इनमें से किसका है? ऑप्शन फर्स्ट लेम्प्रे, सेकंड सी अर्चिन, थर्ड बेलेनोग्लोसस और थर्ड है एसिडियन। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सी लेम्प्रे, या जिसे हम एसिमेट्रोन भी कहते हैं, इसका जो लार्वा होता है वो एमोसिट लार्वा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए व आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों, यानी कि डीएनए ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, उनमें से डीएनए और आरएनए में कौन सा गुण होता है जो दोनों में समान रूप से देखने को मिलता है? दुगुने गुंपयुत यानी डबल स्टैंडर्ड। तो ये तो ओनली डीएनए जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड होते हैं, आरएनए तो बहुत ही कम मिलते हैं डबल स्टैंडर्ड। समान शर्करा, शर्करा समान ही होती है, डीएनए में डिऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और फोर्थ है ये समान पिरामिड होते हैं, पिरामिडिन होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यूरेसिल जो होता है ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि समान न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, इनमें न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं मिलकर के डीएनए आरएनए का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 16, स्तनधारी जंतुओं की पैर खंड, पैर पेचेज मेमल्स में किस में पाए जाते हैं? पैर पेचेज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले, पैर पेचेज है, इनमें से किस में मिलते हैं, किस स्तनधारी में मिलते हैं, और मुख्य रूप से ये किसके किस प्रकार के अंग होते हैं, ये किस अंग के रूप में कार्य करते हैं? मेमल्स जो होते हैं इसमें किस अंग के रूप में कार्य करते हैं? पेयर्स ऑफ पेचेज, एक्सक्रेटरी, उत्सर्जी, सेकंड है डाइजेस्टिव यानी पाचक, थर्ड है स्रावी, ये स्रावी है, और फोर्थ है लिम्फोइड, लिम्फी या लिम्फोइड। तो ये ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा, जो लिम्फोइड है इसमें पाए जाते हैं पेयर पेचेज मेमल्स। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ओजोन लेयर इन अपर एटमोस्फेयर इन डिस्ट्रॉयड, यानी ओजोन लेयर की परत पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, और इसका विनाश करने वाला, विनाश या विघटन करने वाला, डिस्ट्रॉय यानी कि विघटन करने वाला इनमें से कौन सा होगा? फोटोकेमिकल स्मोक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा सीएफसी, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है, ओजोन के 1 लाख से अधिक अणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अनेकों प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि विशेष वन्य जंतुओं की जातियों की संरक्षित किया जा सके। देखो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक रिजर्व के नाम दे रखे हैं, उसमें वन्य जीवों के नाम दे रखे हैं जिनमें से उनको सुरक्षित किया गया है, तो इनमें करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उसको छांटना है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसमें हाथी को सुरक्षित किया गया है, कच्छ कारण में जंगली गद्दे को, गिर वन में बाघ को, और जो मानस वन्य जीव अभयारण्य है उसमें कस्तूरी मृग को। यहाँ पर करेक्ट छांटना है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कच्छ कारण है ये जंगली गद्दों को सुरक्षित किया गया है यहाँ पर। काजीरंगा तो आपको पता ही है, जो राइनोसिरोस जो गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। 18 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19, क्रिएटिन जो कि एक प्रोटीन होती है, निम्नलिखित में से किसके अधिचरम में नहीं पाई जाती है, किसके अधिचरम में क्रिएटिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है मीन, देखो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनका आंसर देने का प्रयास करें और कितने सही हो रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सेकंड है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, थर्ड है पक्षी या फिर बर्ड्स, और फोर्थ है मेमल्स यानी स्तनी।
तो यहाँ पर हम बात करें जो फीसेज होती है, इसमें क्रिएटिन नहीं पाई जाती है, इसके अलावा सरीसृप में मिलती है, पक्षी में पाई जाती है, स्तने में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक। देखो जो मशरूम होते हैं, मशरूम को कौन से वर्ग में रखा गया है, जो कवकों के अंदर जो वर्ग आता है, बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज जो वर्ग है इसमें रखा गया मशरूम को। तो इसकी जमीन के ऊपर जो भाग दिखाई देता है बेसिडियो माइसिटीज के जो मेमल जो मेंबर्स होते हैं उनमें, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जाइगोस्पोर, बेसिडियो कार, थर्ड इसको कार्प, और फोर्थ है एस्कोगोनियम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिडियो जो माइसिट है उसमें बेसिडियो कार्प मिलता है, इस बेसिडियो कार्प में बेसिडियो जो स्पोर्स होते हैं वो देखने को मिलती है इसमें, ये फ्रूटिंग बॉडी होती है। सामान्यतः हम बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प देखने को मिलता है, दोनों को ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आता है 21। थेलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और निचले संचयन क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो पादप है इस, ये मान लीजिए कोई पादप है, इसका ऊपर वाला जो भाग है ये तो प्रकाश संश्लेषी होता है, और नीचे वाला भाग कैसा होता है, संचयन यानी स्टोरेज करने वाला होता है। तो यहाँ पर तीन पादपों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पादप है जिनमें ऊपरी भाग तो प्रकाश संश्लेषी होता है और निचला भाग संचयन स्टोरेज वाला होता है? ऑप्शन फर्स्ट है रिक्सिया, मार्केन्सिया, ये मार्केन्सिया थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, एक एंथोसिरोस हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले जो दोनों दे रखे हैं ये आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें ही आपको देखने को मिलता है ऊपर प्रकाश संश्लेषी और नीचे संचयन क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, पाइनएप्पल एक उदाहरण है, यानी पर फल से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और फल वाला टॉपिक मैं पहले ही करवा चुका हूँ। पाइनएप्पल जो होता है इसमें फल किस प्रकार का देखने को मिलता है? फर्स्ट है एक बेरीज के इटीरियो की, यानी कि इटीरियो ऑफ बेरीज, एक सोरोसिस, एक ड्रुप फल, ड्रुप के समूह का, और एक सरल सरस फल का उदाहरण है। सामान्यतः हम बात करें तो यहाँ पर बात करें जो पाइनएप्पल होता है उसमें सोरोसिस नामक फल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गोसिपियम, गोसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है? गोसिपियम जो कपास को बोलते हैं, कॉटन जो होता है उसे किस कुल में आता है? सोलेनेसी, मालवेसी, एस्टेरियसी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सोलेनेसी में आता है, सॉरी मालवेसी में, सोलेनेसी में आपके बैंगन, आलू, ये सभी सोलेनेसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक चिर स्थायी जैविक पदार्थ जो जीवाश्मी बीजाणुओं व परागकणों के परिरक्षण में सहायक होते हैं। देखो सबसे अधिक चिरस्थायी पदार्थ होता है जो जीवाश्मी बीजाणु होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, और परागकण होते हैं इनको चारों ओर से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट है लिग्निन, स्पोरो पोलेनिन, सेकंड थर्ड है हेमिसेलुलोज, और फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पोरो पोलेनिन इनमें पाया जाता है जो परागकणों को परिरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 25, पादप कोशिका जिसमें 2n+1 गुणसूत्र पाया जाता है, 2n+1 गुणसूत्र पाया जाता है क्या कहलाता है? ट्राइसोमिक, पॉलीसोमिक, बाइसोमिक, मोनोसोमिक। अब देखो 2n का मतलब 46 और 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है तो इसे हम कहते हैं ट्राइसोमिक। और ये जो रोग होगा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। अगर एक गुणसूत्र की कमी होती तो ये हो जाता आपका टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव उत्पन्न होता है, देखने को मिलता है या उत्पन्न होता है? किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव उत्पन्न होता है या देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी जड़ होती है उस जड़ में बीच में पाया जाता है आपका मूल जाइलम, जो रूट का जाइलम वाला भाग होता है जाइलम। और यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पर हेयर्स हो गया आपका प्लांट का, और यहाँ पर मिट्टी जो होता है, यहाँ पर जो जड़ विभव का जो दाब होता है ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, यहाँ पर इसे मूल जाइलम में देखने को मिलता है। इसी कारण से क्या होता है, वाटर इसकी तरफ आकर्षित होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? नोस्टोक, एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रिडियम, माइक्रोसिस्टिस। देखो नोस्टोक, एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रिडियम तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, माइक्रोसिस्टिस नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पांच जगत जो वर्गीकरण है इसकी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, किस विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है? प्रोटोजोआ क्या होता है, जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं,
ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय के यूकेरियोटिक प्राणी होते हैं और ये आपके प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मेलिंगनेट टेरेटियम मलेरिया जो नामक रोग होता है, मेलिगनेट टेरेटियम मलेरिया नामक जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो मलेरी जो सामान्य रोग होता है मलेरिया, वो तो प्लाज्मोडियम मलेरी से हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम होता है इससे मेलिंगनेट टेरेटियम मलेरिया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटेरोस्टोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो प्रोटोस्टोम होता है और एक होता है ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में क्या होता है आपका, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थोपोडा। यहाँ से देखो थोड़ा सा, यहाँ से आ जाएगा आर्थोपोडा, एनेलिडा और मोलस्का। आम आम नाम याद रख लीजिए, आम, एनेलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोम में कौन से आ जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोम में हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा ये ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं। तो देखो स्टार फिश किस में आती है, पीसीज वर्ग में आती है। लिजार्ड्स जो रेप्टाइल्स होते हैं ये आपके रेप्टाइल रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। लेम्प्रे ये कोडेटा का ही प्राणी है, लेकिन स्नेल जो होता है ये आपका मोलस्का का प्राणी है। तो ये क्या हो जाएगा, जो कि ड्यूटेरोस्टोम नहीं है ये पूछा है यहाँ पर, ये क्या होता है, एक प्रोटोस्टोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। जाइगेंट्रा एंड जाइगोफेन जाइगेंट्रा एंड जाइगोफेंस सॉरी जाइगेंट्रा एंड जाइगोफेंस आर फाउंड इन द वर्टिब्रा, यानी किसके वर्टिब्रा में जाइगेंट्रा एंड जाइगोफेंस पाए जाते हैं, तो सर्प में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पूछा। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि एक तो हम जो F1PD का संकरण ले लेते हैं और एक ले लेते हैं जो मदर या फादर में से किसी को भी, पैतृक जो होता है एक पैतृक को ले लेते हैं और इनका क्रॉस कराते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी सेम मिलेगा। और यहाँ पर हमें प्राप्त जो होता है ये स्मॉल स्मॉल आर लेते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल सॉरी क्या कर दिया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और एक हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो 2:2 प्राप्त होते हैं, तो इनको काट देंगे, 1:1 अगर डाई हाइब्रिड होगा तो 1:1:1 ये प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः हम बात करें तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें 9331 ये प्राप्त होता है, और जो फिनोटिपिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है तो 1:1:1 हो जाएगा। 33। पुरुष हाथी दांत किसके, यानी कि पुरुष हाथी के दांत होते हैं, जो हाथी होता है उसमें जो दांत होते हैं सामान्यतः तो वो किस प्रकार के होते हैं, जो लंबे लंबे निकले रहते हैं, वो चर्वणक यानी मोलर्स, सेकंड है लोअर्स इंसाइजर, निचला कृंतक, ऊपरी कृंतक यानी ऊपर इंसाइजर और कृंतक या दांत। तो ये ऊपर वाला कृंतक होता है, ऊपर वाला इंसाइजर होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से पूछ लिया है कि द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट, मेल एलिफेंट में जो टस्क होता है दांत होता है वो कौन सा होता है, अपर इंसाइजर होता है। क्वेश्चन नंबर 34। कैल्सीटोनिन रेगुलेट, कैल्सीटोनिन है किसका नियमन करता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है कैल्सीटोनिन यानी कि कैल्शियम, इसके नाम से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि फटाफट से आप इनके आंसर देख सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके, और उसमें कुछ में डिटेल बताने की लायक कुछ होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर, कैल्शियम लैब। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में आता है 35। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध किया गया, यानी कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया किसको? ऑप्शन फर्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, 35 के बाद में 36। सिल्क इज मेड अप फ्रॉम, रेशम किससे बनता है? ऑप्शन फर्स्ट लार्वा की लार ग्रंथि से, वयस्क की लार ग्रंथि से, लार्वा के बाह्य चरम से, वयस्क के बाह्य चरम से। ये तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो रेशम कीट होता है, रेशम कीट जिसका साइंटिफिक नेम होता है याद रखना बोम्बिक्स,
बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स मोराई, और इसकी जो लार्वा है इससे लार में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनसे रेशम प्राप्त होता है। 37 सीव लाइक सेल्स आर फाउंड इन, किसमें सीव लाइक सेल्स पाई जाती हैं? स्काइटोनिमा, ओसिलेटेरिया, लेमिनेरिया, जिलेडियम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेमिनेरिया, और लेमिनेरिया से आपका आयोडीन वगैरह भी प्राप्त होता है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एड्रेज टंग फर्न, एड्रे टंग फर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, एड्रे टंग फर्न है ये, किसको कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है साइथिया, सेकंड मार्सिलिया, फोर्थ है, थर्ड है ओफियोग्लोसम, और फोर्थ है एडियंटम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओफियोग्लोसम को बोलते हैं हम एड्रे टंग फरन। 39 सिस्टोलिथ आर केमिकली मेड अप ऑफ, सिस्टोलिथ जो क्रिस्टल्स होते हैं, सिस्टोलिथ जो क्रिस्टल्स होते हैं ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नेट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एसेप्टेड माइसिलियम पाया जाता है? देखो माइसिलियम जो होता है इस प्रकार से देखने को मिलता है, इसमें अगर इस प्रकार से जगह जगह खाली हो तो ये स्थिति होगी, तो वो सेप्टेड हो जाएगा, और एसेप्टेट में क्या होता है, इस प्रकार से संरचना मिलती है, तो इसमें सेप्टेड नहीं होता, ऐसे ही उसमें क्या होता है, जो द्रव भरा रहता है और उसमें बहुत सारे केंद्रक मिलते हैं, जबकि सेप्टेट में केंद्रक बटे होते हैं आपस में। तो एसेप्टेड माइसेलियम इसमें किसका होता है? पक्सिनिया, एग्रीगस, एल्बुगो, एस्परजिलस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्बुगो में क्या होता है, एसेप्टेड माइसिलियम होता है, जबकि पक्सिनिया, एग्रीगस और एस्परजिलस में सेप्टेड माइसिलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, जब F1 लंबे पौधे को पैतृक बोने पौधे से संकरित कराया जाता है, वो टेस्ट क्रॉस वाली बात आ गई इसमें भी, तो संतति का जीन प्ररूपी अनुपात क्या होगा? तो ये मैंने पहले बता दिया, 1:1 होगा, दोबारा कर भी सकते हैं, कैपिटल टी डी और स्मॉल डी स्मॉल डी, तो कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, तो 2 ये हो गए, 2 हो गए, 2:2 काट देंगे, 1:1 प्राप्त हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ सी फॉर प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, और इसको गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी पूछा जा सकता है। जो सी फॉर प्लांट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और जिसके फलस्वरूप डार्क रिएक्शन यानी कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, और अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन होती है, और ये होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है, ये ध्यान में रखना, जबकि प्रकाशिक जो अभिक्रिया है ये कहाँ होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। और सी फोर जो प्लांट्स हैं इनमें सामान्यतः हम बात करें तो जो डार्क रिएक्शन होती है सी फोर प्लांट में, उनमें जो स्थायी उत्पाद होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद कौन बनता है? सी फोर पादपों में फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क रिएक्शन में प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है? पायरुविक एसिड, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सेला ऑक्जेला एसिटिक एसिड बनता है, और ये सी फोर पादप इसलिए कहते हैं, ये 4 कार्बन युक्त परमाणु होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त होता है? यानी कि पीसीआर जो क्रिया होती है जिसमें डीएनए की लाखों कॉपियां तैयार की जाती है कुछ ही सेकंड में, और जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है इसमें जो एंजाइम काम में आता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम काम में आता है, तो इस डीएनए पॉलीमरेज को कौन से जीव से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ईकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, रोडोबैक्टर, फोर्थ थर्मस एक्वाटिकस। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, थर्मस एक्वाटिकस से हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, ये क्या करता है, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं डाइकोट, उनमें जेनेटिक वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। 44 हेट्रोमोर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन विषम रूपी नाभिक किसमें पाया जाता है? विषम रूपी नाभिक है वो किसमें देखने को मिलते हैं? पेशी कोशिकाओं में, मानव जनन कोशिका में, न्यूरोन में, और पक्ष्मा भी प्रोटोजोआ या सीलेटेड जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनमें ही देखने को मिलती हैं, जो सीलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें विषम रूपी नाभिक देखने को मिलता है। 40 कितना हो गया, 44 45 इन अर्थवर्म द क्लोरोजन सेल्स, क्लोरोजन सेल्स होती हैं किसमें पाए जाते हैं? ये अर्थवर्म केंचुए में पाए जाते हैं, केंचुए
केंचुए में क्लोरोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है डाइजेस्टिव, सेकंड है रिप्रोडक्टिव, थर्ड है सेंसरी और फोर्थ है एक्सक्रेटरी। तो क्लोरोजन किससे संबंधित होती है? उत्सर्जन से संबंधित होती है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्सर्जन। 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नियोटोनी इज ऑब्जर्व इन, नियोटोनी पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नियोटोनी क्या होती है। देखो, जो लार्वा अवस्था में ही जनन करना प्रारंभ कर दे, कोई भी किसी भी जीव का लार्वा है और वो लार्वा क्या कर दे, प्रजनन करना या जनन करना स्टार्ट कर दे, तो वो नियोटोनी कहलाती है। किस में देखने को मिलती है? एम्बिस्टोमा, एलाइटस, साइकोन और सेक्यूलिना। सेक्यूलिना यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्बिस्टोमा। एम्बिस्टोमा जो होता है इसमें नियोटोनी देखने को मिलती है। क्वेश्चन 47, द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए सेल, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वाटर। तो सबसे अधिक प्रोटीन वाटर पाया जाता है और इसके बाद में प्रोटीन आ जाएगा। 48, टर्नर सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी टर्नर सिंड्रोम अगर किसी को व्यक्ति को है तो उसका गुणसूत्री सूत्र क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 2n-1 हो जाएगा, यानी कि 46 है तो एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी 45। तो यहाँ पर हम बात करिए, देखो इसमें तो एक ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा, ये हो जाएगा X0, ये हो जाएगा इसका 45 गुणसूत्र होते हैं। और ये आपकी क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, X गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है या फिर Y गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। 48 के बाद में 49, भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? तो भोजन के अवशोषण में कौन से आयन को हम लेते हैं या किस आयन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम, पोटेशियम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी है ये किसमें पाई जाती है, किस अडल्ट में देखने को मिलती है? साइक्लोस्टोमा, बर्ड्स, फ्रॉग और फिशेज। तो मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है बर्ड्स में देखने को मिलती है, जो बर्ड्स वयस्क होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखे। देखो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाए, इसका कारण ये कि इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं और इसलिए मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर इन क्वेश्चन को देखता है और पूछ भी लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। जबकि पिछला जो हमारा मॉडल पेपर आया था उसमें मैंने डिस्क्राइब भी किया, अच्छे से आपको समझाया है। अगला जो मॉडल पेपर होगा जिसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको और अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा। आज के लिए इतना, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस लाइव सेक्शन को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुंच सके। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें और 50+ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, वो भी बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन जो कि पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है एम्ब्रियोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो टीचर्स